हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो भारत पाकिस्तान का व्यापार है ना, वो 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तो पाकिस्तान ने उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत से जो व्यापार चल रहा था उसे बंद कर दिया था अपनी ओर से। तो भारत की पाकिस्तान व्यापार जो है पूर्णतः लगभग ठप हो गया था। तो इस पर फिर से कवायद चल रही है कि क्या जो है पाकिस्तान में जो है इतनी ज़्यादा भयानक बाढ़ आई हुई है, इसमें जो है सहायता करने के लिए क्या भारत से पुनः व्यापार शुरू किया जा सकता है। तो इस पर जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए व्यापार की बहाली को जोड़ा ये भारतीय पक्ष में अक्षा नहीं रहा। इस पर जो है उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ व्यापार को निलंबित कर दिया और जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति को समाप्त करने के लिए नई दिल्ली के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ भारत पाकिस्तान व्यापार को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, जिसने 2019 में एक तरफा वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए थे। तो लोगों ने कहा कि जो भारत ने भी पड़ोसी देश में विनाशकारी बाढ़ के मद्देनज़र पाकिस्तान को सहायता देने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन भारतीय क्षेत्र के माध्यम से शिपिंग सहायता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुरोध पर विचार करेगा। यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ कह रही हैं कि वो जो है मतलब भारत से उन्हें व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भारत ये उनके पड़ोस में है और सबसे तेज़ी से उन्हें किसी प्रकार की जो खाद्य रसद सामग्री है या बाढ़ पीड़ितों की सहायता वो प्रदान कर सकता है। तो पाकिस्तान का कहना है कि जो है इसके अतिरिक्त जो है पाकिस्तान में एक और है कि IMF ने उन्हें जो है लोन जो दिया है उसमें उसने भी ये भी शर्त रखी है कि उसे कई सन जो है व्यापार प्रारंभ भी करने होंगे। अभी तक ऐसा पाकिस्तान की ओर से कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये कि इसमें बताया गया कि पाकिस्तान का कहना है कि IMF ने नियर टर्म डिफॉल्ट को रोकने के लिए $1.17 बिलियन के बेल आउट को मंजूरी दी है। तो मध्य पूर्व के देशों से जो वित्त पोषण था उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया है IMF ने। दिसंबर में जो डॉलर बॉन्ड्स ड्यू थे, मतलब IMF की मंजूरी के बाद शेयरों में तेजी से जो है इनके राजनीतिक उथल पुथल और जो है घातक बाढ़ से दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र के हैं मतलब पाकिस्तान, उसकी अर्थव्यवस्था को खतरा होने के कारण पाकिस्तान ने एक डिफॉल्ट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $1.1 बिलियन का ऋण प्राप्त कर चुका है। वाशिंगटन स्थित ऋणदाता ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि जो देश IMF के विशेष आहरण अधिकार जी हाँ स्पेशल ड्राइविंग राइट्स SDR में से लगभग $1.1 बिलियन के बराबर 894 मिलियन वापस ले सकता है। IMF ने देश के बेलआउट पैकेज को बढ़ाकर जो है लगभग $6.5 बिलियन कर दिया, $6.5 अरब। ऊर्जा की बढ़ती लागत के बाद देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत ज़्यादा समाप्त हो गई थी लगभग, और एशिया की दूसरी सबसे तेज मुद्रास्फीति को रोकने के बाद यह धन जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ऋण भुगतान को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद, जो पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक है, उन्होंने पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग को बताया था कि पाकिस्तान को जून 2023 तक लगभग $38 अरब हासिल करने का अनुमान है, जो $21 अरब की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त IMF के फैसले से मध्य पूर्व के देशों और से भी उन्हें और सहायता के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि व्यापार और मानवीय सहायता दोनों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस्लामाबाद भारत से सब्जियां और खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकता है, क्योंकि जो वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 1,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 30 लाख से ज़्यादा लोग, 33 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, और इस प्रकार की मतलब एक आपदा जैसी स्थिति हो गई। उन्होंने कहा कि जो पिछले कई वर्षों बाद जो है ऐसी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए व्यापार की बहाली को जोड़ा गया था, मतलब जो व्यापार, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये कहा है कि जो है वो पाकिस्तान में आई बाढ़ जो है उस पर अपना दुख व्यक्त किया, और उन्होंने जो पीड़ित परिवार उनके साथ उनकी जो है संवेदनाएं भी जुड़ी हैं। तो व्यापार के मुद्दे पर पाकिस्तानी पक्ष की ओर से हर प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं, और जब व्यापार को कश्मीर के मुद्दे से जोड़ा जाता है तो आप उम्मीद ही कर सकते हैं इसे। तो लोगों ने बताया कि अगस्त जो है 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद कि नई दिल्ली का जो फैसला था उसके जवाब में जो है ना इस्लामाबाद पाकिस्तान ने जो है भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उसे एक तरफा निलंबित कर दिया, मतलब पाकिस्तान की ओर से निलंबित कर दिया गया। और अब इसलिए भारत की ओर से यह कहा गया कि व्यापार को शुरू करने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की होगी। तो एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में जब मानवीय सहायता और व्यापार मुद्दों के बारे में पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो अरिंदम बागची हैं, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से हुई तबाही के बीच अपना दुख व्यक्त किया है,
उन्होंने पीड़ितों के परिवारों, घायलों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त जो व्यापार तत्व के संबंध में हमने इस मामले पर विभिन्न बयान देखे हैं, इस बिंदु पर मेरे पास उन बयानों को जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है जो हमने पाकिस्तान से देखे हैं। यह जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने बताया कि मानवीय सहायता के बारे में एक सवाल का जवाब दिया, जिससे यह संभवत है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में दोस्ती हो सकती है, यह सिर्फ एक कल्पनीय है। जी हाँ, कश्मीर मामला आप जान ही रहे, कश्मीर और आतंकवाद एक ऐसा मामला है जो जब भी बीच में आएगा तो भारत पाकिस्तान के संबंध कभी भी मतलब भरोसेमंद तो नहीं रहेंगे, काल्पनिक ही होंगे। भले से अब इस समय पाकिस्तान की मजबूरियां हैं तो वो खाद्य रसद और अन्य प्रकार की सहायता ले रहा है, और पाकिस्तान के उसको कुछ भी मिले तो वो ले ही लेगा, ऐसी स्थिति है उसकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 29 अगस्त को एक ट्वीट में बाढ़ पर दुख व्यक्त किया, और जो है उन्होंने प्रार्थना की जो है कि बहुत जल्द हो स्थिति जो है जो है वो सही हो जाए। तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी ने जो उस पर कहा था उस पर जो है धन्यवाद दिया, और उन्होंने अपने विशिष्ट लचीलेपन के साथ जो है इस पर जो है मतलब जो प्रधानमंत्री जी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर जो है उन्होंने उन्हें धन्यवाद कहा, और उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए और अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो शहबाज शरीफ हैं वो भी अब बाढ़ पीड़ितों से जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, मैंने देखा था इस पर वीडियो, लेकिन जो है स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर आप जान रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वहाँ की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। BRI प्रोजेक्ट जो चीन के द्वारा था वो फेल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा द्रोही मतलब बलूचों ने इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया कि चीनी सेना जो है वहाँ से भाग गई, चीन के इंजीनियर भाग गए, बहुत मारे थे उनको बलूचिस्तान के जो विद्रोही गुट थे, और इसके अतिरिक्त जो है चीन के भी लोग जो मनमानी कर रहे थे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर करप्शन भी हो गया था पाकिस्तान में, कितना सा देखा, चीन में खुद आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई है इस समय, तो उसको कोई सहायता नहीं दे पाएगा, और अंततः स्थिति IMF की। तो देखते हैं पाकिस्तान का इससे कितना लाभ होगा, क्या कहीं वो पुनः जो है अपनी जो पैसे वो आतंकवाद के मुद्दे में या फिर कोई ना कोई विमान खरीद लेगा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा, उसकी कुछ स्थिति संभव नहीं हो सकती। फिर भी देखेंगे, जो भी हो ये पाकिस्तान का अपना मामला है।